Hello friends, welcome to Gyan Shree Education Tutorial. Here I am Shaveta Arora. Now I am giving you the lecture on the topic can and could. देखिए दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने टॉपिक किया था मे एंड माइट. यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती थी कि मे यूज करना है या माइट यूज करना है. मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको वो बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ. अब हम करना चाहते हैं यहाँ पर कैन एंड कुड. देखिए फ्रेंड्स, हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पर कैन का प्रयोग करना है, कहाँ पर कुड का प्रयोग करना है. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आप देखते ही, चाहे आपका कोई कॉम्प्रिहेंशन आ रहा हो, चाहे आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आप देखते ही अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे. राइट फ्रेंड्स, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ कैन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, कैन इज यूज इन प्रेजेंट टेंस. सबसे पहले हमने अपने सेंटेंस में वो देखना है कि विच काइंड ऑफ सेंटेंस वी आर टेकिंग. राइट, नेक्स्ट कुड. कुड इज द पास्ट ऑफ कैन. यस, तो इसका जो हमारा पास्ट टेंस बनेगा उसके अंदर यूज करेंगे जो चीज हो चुकी है. राइट, तो सबसे पहले दो चीजें अपने माइंड में रखनी है हमने. कैन इज यूज इन प्रेजेंट टेंस एंड कुड इज द पास्ट ऑफ कैन. राइट, अब मैं आपको तीन पॉइंट्स बताऊंगी जिसके थ्रू हम हमेशा इसको अपने माइंड में रख सकते हैं. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लिखे हुए मैंने की पॉइंट्स. की पॉइंट्स के अंदर सिर्फ थ्री पॉइंट्स हमें लर्न करने हैं, एबिलिटी, परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. ये तीन अभी माइंड में रखेंगे. तो पहले मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगी एबिलिटी. एबिलिटी मीन्स योग्यता. अब योग्यता क्या कहती है? यह सामर्थ्य या शक्ति. शक्ति मीन्स काइंड ऑफ पावर. नेक्स्ट आता है हमारे पास शारीरिक. शारीरिक मीन्स फिजिकल. नेक्स्ट आता है हमारे पास मानसिक. मीन्स वी आर हैविंग एनी मेंटल लेवल. एंड नैतिक हो सकती है. नैतिक मीन्स मोरल. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमारे पास इन चारों चीजों को हमने अपने सेंटेंस के अंदर देखना है कि क्या इन चारों में से कोई एबिलिटी आ रही है हमारे पास. सो वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल. फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग द हेडमास्टर डैश. अभी मैंने फिल कर रखा है ताकि आपको पता चल सके. रिमिट योर फाइन मीन्स जो हेडमास्टर है वो आपके फाइन को छोड़ सकता है. तो कौन छोड़ सकता है? जिसके हाथ में पावर होगी, शक्ति होगी. राइट, उसके सामर्थ्य है. तो यहाँ पर हम यहाँ पर लगाएंगे कैन. द हेडमास्टर कैन रिमिट योर फाइन. सबसे पहले हमने ये देखना प्रेजेंट टेंस में है. यस, प्रेजेंट टेंस में चल रहा है ये हमारा. उसके बाद हमने देखना है कि शक्ति. शक्ति मीन्स सम काइंड ऑफ पावर. सो वी आर टेकिंग पावर मीन्स जो हेडमास्टर है उसके पास फाइन को छोड़ने की, माफ करने की पावर है. राइट, अब मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गया होगा. सेकेंड पॉइंट वी आर टेकिंग ही कैन इजीली रन अ माइल. मींस वो बहुत आराम से एक माइल तक चल सकता है. तो दोस्तों, यहां पर भी क्या बात आ रही है? हमारी शारीरिक योग्यता. योग्यता तो आ रही है, एबिलिटी आ रही है. मींस वो एक माइल तक चल सकता है बहुत आराम से. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी फिजिकल एबिलिटी के बारे में बताया गया है. ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या लगाएंगे? कैन. राइट दोस्तों, इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं. ही कैन टॉक इंग्लिश क्वाइट फ्रिक्वेंटली. वो इंग्लिश बहुत धारा प्रवाह के साथ बोल सकता है. तो उसके अंदर उसकी मेंटल एबिलिटी आ रही है, इसमें फिजिकल एबिलिटी नहीं आ रही. इसके अंदर हमारे पास कोई पावर नहीं आ रही. सो ही इज टेकिंग मेंटल लेवल. राइट, तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा? कैन. राइट फ्रेंड्स, इसके बाद एक एग्जाम्पल और लूंगी तो हमारा ये एबिलिटी वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा. सो आई एम टेकिंग लास्ट एग्जाम्पल. आई कांट लीव माई पेरेंट्स. मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकती. तो यहाँ पर हमारा क्या है? मोरल. मीन्स कोई नैतिक वैल्यू की बात की गई है, किसी मोरल एबिलिटी के बारे में बात की गई है. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैन नॉट. तो दोस्तों, यहाँ पर कैन नॉट भी आ सकता था, आप ऐसे भी लिख सकते थे. दिस इज अ काइंड ऑफ निगेशन सेंटेंस. तो आप कैनॉट नहीं बोलते हैं, वी आर टेकिंग कांट. राइट दोस्तों. यस फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने किया एबिलिटी. फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया. नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड पॉइंट, दैट इज परमिशन. अब परमिशन मीन्स अनुमति. कुछ अनुमति मांगना किसी से या देना, दो टाइप की हो सकती है. मैंने यहाँ पर लिखा भी है परमिशन, अनुमति देने के लिए. मीन्स वी आर गिविंग एनी काइंड ऑफ परमिशन. एंड सेकेंड वन इज अनुमति मांगने के लिए. मीन्स वी आर सीकिंग सम टाइप ऑफ परमिशन. राइट फ्रेंड्स, तो अब हम इसके एग्जाम्पल लेंगे. सबसे पहली बात कि ये प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए. तो आप देख रहे हैं कि ये चारों ही सेंटेंसेस हमने प्रेजेंट टेंस में ले रखे हैं. अब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि कहां पर कैसे हमने कैन यूज करा है. राइट,
So we are taking one example. Our first example is you can go now. यहाँ पर क्या है, आपको अनुमति देने के लिए पूछा गया है. You can go now, आप अब जा सकते हो, means तुम्हें जाने की अनुमति है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको परमिशन देनी है. नेक्स्ट वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, यू कैन सी अ फिल्म इफ यू लाइक, आप फिल्म देख सकते हो अगर आप लाइक करते हो तो. राइट, तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, कैन, बिकॉज हम यहाँ पर अनुमति देने की बात कर रहे हैं कि आप वो मूवी, आप वो फिल्म देख सकते हो. राइट, तो इन दोनों के अंदर ही हमारे पास प्रेजेंट टेंस आ रहा है. सबसे पहले हमने ये कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद हम चलेंगे हमारे सेकंड कंसेप्ट में. परमिशन के अंदर ही दोस्तों सेकंड कंसेप्ट आता है हमारे पास, अनुमति मांगने के लिए, मीन्स सीकिंग. अनुमति मांगनी है तो ये एक हम कैसे बोलते हैं, कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन मांग ले सकता हूँ. तो यहाँ पर अगर हम कहें कि बहुत ज्यादा पोलाइट हो रहे हैं तो वहां पर हमारे पास मे आ जाएगा, बहुत फॉर्मल परमिशन मांगेंगे तो मे आ जाएगा. अदरवाइज यहाँ पर हम एक सिंपल परमिशन मांग रहे हैं तो यहाँ पर हम बोलेंगे कैन आई यूज योर पेन. राइट दोस्तों, और यहाँ से क्लियर हो रहा है हमारे पास दैट वी आर वर्किंग इन प्रेजेंट टेंस. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कैन आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो ये भी एक परमिशन ही मांगी जा रही है. तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, कैन, और यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, कैन. तो आप देख रहे हैं मेरे कहने का मीनिंग क्या है, दैट वी आर यूजिंग परमिशन. जहां पर भी आपके पास परमिशन आ जाए मांगने या देने दोनों के लिए, तो हम यहाँ पर सबसे पहले सेंटेंस चेक करेंगे हमारे सेंटेंस किस टाइप के हैं. तो हमारे सेंटेंस प्रेजेंट टेंस के हैं, तो हम यहाँ पर कैन यूज कर रहे हैं. अनुमति यहाँ पर दी जा रही है और यहाँ पर अनुमति मांगी जा रही है. एक और इसकी पहचान है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन मार्क से पता चल रहा है सम काइंड ऑफ क्वेश्चन इज हियर. फ्रेंड्स देखिए, अभी तक हमने मे के अंदर यूज किया था कि बहुत ज्यादा जब हम किसी के साथ पोलाइट होते हैं, और यहाँ पर हम कैन यूज कर रहे हैं. यहाँ पर मीन्स जब हम इनफॉर्मल वे में किसी के साथ बैठे हैं, जब हम किसी को बहुत ज्यादा जानते नहीं है, तो हम एक इनफॉर्मल वे में ले लेंगे कैन आई यूज योर पेन, की क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ. लेकिन अगर हम जब किसी को जानते ही नहीं है, हमें बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तब हम यहाँ पर क्या लेंगे दोस्तों, मे. नाउ वी आर टेकिंग थर्ड असम्पशन, दैट इज पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स सम काइंड ऑफ संभावना कि कोई चीज घटित हो सकती है. यस दोस्तों, कुछ भी चलते हुए कुछ भी घटित हो सकता है. तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनी टाइम, दुर्घटनाएं कभी भी घटित हो सकती हैं. यस दोस्तों, हमेशा तो जरूरी नहीं है कि कोई भी एक्सीडेंट होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी रहती है. इफ वी आर राइडिंग अ स्कूटी, इफ वी आर राइडिंग अ कार, मीन्स जो भी हम चला रहे हैं, तो वहां पर कोई भी दुर्घटना हमारे साथ घटित हो सकती है. तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है और यहाँ पर कैन लगेगा. राइट फ्रेंड्स, दूसरा इसकी पहचान हमारे पास क्या आएगी, दिस इज द शॉर्टकट, जो कि कुछ बच्चे शॉर्टकट में बिलीव करते हैं. तो वो शॉर्टकट क्या हो सकता है, एनी. दोस्तों अगर आपको कभी भी किसी सेंटेंस में एनी दिख रहा है और आपको यहाँ पर कोई मॉडल फिल करना है, तो आप यहाँ पर बिना सोचे समझे कैन लगा दें, बिकॉज संभावनाएं, पॉसिबिलिटी, और भी हमारे शैल, शुड यहाँ पर भी आएंगी, मे माइट में भी आती हैं. ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल ले रही हूँ. ही कैन रीच हेयर एनी टाइम, वो यहाँ पर किसी भी टाइम आ सकता है. तो ये उसकी पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि वो कभी भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है. ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, कैन. तो उसकी पॉसिबिलिटी है वो. राइट, एक और वही शॉर्टकट वाली बात फिर से मैं भाई बोलूंगी आप लोगों को कि यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर से एनी दे रखा है. दिस इज द काइंड ऑफ शॉर्टकट. तो आप ये शॉर्टकट देख सकते हैं. देखिए, फर्स्ट में भी आया था हमारे पास एनी, सेकंड में भी एनी आया था. तो यहाँ पर दोस्तों हमसे गलती होने की संभावना, फिर कोई पॉसिबिलिटी कैन लगा के कम हो सकती है. राइट, वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. एनी वन कैन मेक मिस्टेक, गलतियां किसी से भी हो सकती है, कोई भी गलतियां कर सकता है. ऑब्वियसली बात है, गलतियां तो हो सकती हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है. हम जानबूझ के नहीं करते, पर हो सकती हैं. सो दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी. फिर वही शॉर्टकट वाली बात आपको फिर से बात बोलूंगी. देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही एनी आ गया, तो यहाँ पर आपको देखते ही पता चल रहा है कि कैन का यूज हो सकता है और हम वो करेंगे, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी दे रखी है और यहाँ पर आपको एनी भी दे रखा है. तो ये देखते ही फ्रेंड्स आपको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर कैन लगा रहे हैं. राइट फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो बात करी वो कैन की बात करी थी. ठीक है, हमारा कैन खत्म हो चुका है, हमने पॉसिबिलिटीज दिखा दी, उसके अंदर एबिलिटी दिखा दी. राइट,
अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कुड की. तो फ्रेंड्स जहाँ प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर आती है कि हम कैन यूज करें या कुड यूज करें. तो सबसे पहला रूल अपने माइंड में जो हमने रखना है वो ये है कि कुड इज द पास्ट ऑफ कैन. आप अगर इतना माइंड में रख लोगे उसके बाद में आपको यहाँ पर ये की पॉइंट्स लिखे हुए फोर ये बताऊंगी, उसके बाद आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ पे कैन लगाना है या पे मुझे कुड लगाना है. राइट फ्रेंड्स, अब मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ. मेरा एग्जाम्पल है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है मैंने, आई डू ऑल आई कैन. देखिए फ्रेंड्स ये प्रेजेंट टेंस में है. कैन दे रखा है, कैन देखते ही समझ जाइए, डू देखते ही समझ जाइए कि हम प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं. राइट उसके बाद इसकी हिंदी करके देखिए, अगर आप अपने माइंड में अगर आप थोड़े से सक्षम है हिंदी करने में, तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ. हिंदी में करके देखिए तब भी हमारा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है. अब हमने इसी को ही पास्ट टेंस में लेकर आना है. जब पास्ट टेंस में लेकर आएंगे तो कैन का तो कुड होगा ही होगा. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, आई डिड, डू की सेकंड फॉर्म आ जाएगी. राइट, डिड आ गया. ऑल आई कुड, मैंने बोला कैन का कुड कर दो, ठीक है. बाकी एज इट इज सारा का सारा सेंटेंस है. क्लियर, एक बार फिर बता रही हूँ, आई डिड ऑल आई कुड, जो मैं कर सकता था वो मैंने किया. तो यहाँ पर हिंदी में आते ही हम अपने आप पास्ट टेंस में चले गए. राइट, तो हिंदी में भी हम पास्ट टेंस में चले गए, इंग्लिश में भी हमने यहाँ पे कैन का पुट कर दिया, डू का डिड कर दिया. तो यहाँ से हमारा इतना छोटा सा कंसेप्ट बहुत इजीली कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है. राइट, नाउ वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल. देखिए फ्रेंड्स, ही सेज आई कैन डू इट, वह कहता है मैं यह कर सकता हूँ. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस में है. राइट, उसके बाद हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट में है, डायरेक्ट सेंटेंस बोला गया है इसका. तो अब सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये बताया हमने ये रिपोर्टिंग स्पीच है. तो हमने क्या करना है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस को पास्ट में लेके आना है बस, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर. तो यहाँ से सेज का ही सेड सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने बोला उसने कहा, मीन्स वो चीज हो चुकी है, वो पास्ट टेंस में जा चुका है. देन ही कुड डू दैट, वह यह कर सकता था. तो दोस्तों ये था हमारे पास एक आ रहा है, और यहाँ पर कैन का जस्ट कुड किया गया है. मैं एक बार फिर क्लियर करती हूँ आपको, हमने क्या किया है इसके अंदर, ही सेज आई कैन डू इट, वह कहता है मैं यह कर सकता हूँ. तो इसके अंदर क्या आ गया हमारे पास, कि ये हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है और डायरेक्ट के अंदर आ रहा है. राइट, उसके बाद जब चेंज करेंगे हम प्रेजेंट से पास्ट में आएंगे और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ही सेड, सेज का सेट हो जाएगा. क्लियर, दैट ही कुड डू इट. सिर्फ हमने क्या करना है, स्कैन का कुड करना है, बिकॉज जब हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं तो हमारे पास सिर्फ इतना भरने के लिए आता है, ठीक है. तो हम इसको हम चेंज करेंगे, कैन से कुड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट. राइट फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुड के फर्स्ट रूल की बात करी थी, वो हमारे पास था शोइंग पास्ट. अब हम इसके सेकंड रूल में आ रहे हैं. यहाँ पर देखिए की पॉइंट्स मैंने बना रखे हैं, ताकि आप जस्ट इनको ही अगर माइंड में अपने रख लेंगे एक चार्ट की तरह, तो आपको इन सब में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. राइट, तो मैं सेकेंड इसका उठा रही हूँ, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. ये हम हर एक के अंदर करते आ रहे हैं, माइंड के अंदर भी किया, मे के अंदर भी किया, कैन के अंदर भी किया. तो किस टाइप की संभावना हो सकती है, अब हम यहाँ पर इसको क्लियर आउट करेंगे. फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ कार. सबसे पहले तो मुझे ये बताना है कि मैं इसको पास्ट में लेकर जा रही हूँ. राइट फ्रेंड्स, अभी तक कैन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे थे, जो हम बता रहे थे कि प्रेजेंट टेंस में चलेगा. अब हम बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में चल रही है चीजें, मीन्स मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, If I had money, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीदता, means I could buy a car, तो मैं कार खरीदता. यहाँ पर could दे रखा है और यहाँ पर had दे रखा है, means जो चीज तो हो चुकी है, time तो जा चुका है. अगर मेरे पास उस time पर पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदता. बात अब हम बताएंगे यहाँ पर कि यहाँ पर हमारे पास could use होगा. Right friends? इससे एक छोटा सा रूल या यूं लगा लीजिए शॉर्टकट, फिर से शॉर्टकट पर आएंगे, एक वो बताऊंगी आपको. If I had, अब यहाँ पर हमने क्या बताना है कि हमारे पास एक तो शर्त के अधीन हमने काम करना है, दूसरा संभावना. संभावना तो हमारे पास स्टार्टिंग में ही थी. If I had money, तो हमने यहाँ पर बोला कि शर्त कि अगर मेरे पास पैसे होते, तो ये शर्त आ रही है यहाँ पे. उसके बाद मैं बोल रही हूँ I could buy a car, मैं एक कार खरीदती. तो ये संभावना थी, संभावना हमने यहाँ से यहाँ तक यूज करी, और यहाँ पर किसी शर्त के अधीन रहकर हमने इस कंसेप्ट को क्लियर किया. राइट फ्रेंड्स,
इसके बाद मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेना चाहूंगी ताकि जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेरी चल रही है वो इसको देखते ही क्लियर हो जाए. तो आई वंडर्ड वेदर द न्यूज कुड बी ट्रू, मीन्स जो न्यूज हो चुकी है जो पास्ट में है, अब हम बात कर रहे हैं उसकी कि क्या वो सच हो सकती है, उसके बारे में बात करनी है, पर वो पास्ट टेंस में है. दोस्तों ये याद रखना कि वो पास्ट टेंस में होना चाहिए. मुझे हैरानी हुई कि क्या यह समाचार सच था, मींस यहाँ पे था के ऊपर बात आके रुक रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे. तो अब संभावना की बात कर रहे हैं हम, तो स्टार्टिंग से पास्ट भी देख लिया, संभावना की बात करें तो संभावना हमारे यहाँ पर ये कहते हैं कि वो न्यूज मे बी वो सच हो या फिर वो गलत हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कुड आएगा क्योंकि पॉसिबिलिटी के बारे में बात की गई है. राइट फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड रूल था. अब इसके बाद कुड का मैं थर्ड यूज आपको बताऊंगी. दैट इज कुड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट एंड हम्बल परमिशन के लिए होता है. यस, ये अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे ये चीज, जो कि आज के टाइम पर ये स्पोकन इंग्लिश के अंदर की जा रही है. राइट फ्रेंड्स, जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट होती है किसी से, इतने आराम से बात की जानी चाहिए कि अगला बंदा मना मत करे उस चीज के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हियर, कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ. ठीक है, तो इतने आराम से उससे पूछेंगे कि वो मना भी ना कर सके. तो हमने क्या किया, एक बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट डाली, ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म में, साथ में हमने एक इंटरोगेटिव भी लगा रखा है, क्वेश्चन मार्क भी लगा रखा है, बिकॉज वी आर आस्किंग समथिंग, हम किसी से पूछ रहे हैं, हम किसी से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रहे हैं. राइट फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल और लेती हूँ जिससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. कुड आई टॉक टू मिस्टर अर्पित, क्या मैं मिस्टर अर्पित से बात कर सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट की गई है, बहुत परमिशन लेने की कोशिश की गई है, बहुत पोलाइट वे में. मे बी मिस्टर अर्पित बहुत बिजी रहते हो तो मुझे उनसे अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बात करनी हो, तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, कुड आई टॉक टू मिस्टर अर्पित. राइट फ्रेंड्स, तो ये तीन पॉइंट्स हमारे क्लियर हो चुके हैं. इसके बाद मैं अब आपको फोर्थ बताती हूँ. यस फ्रेंड्स, अब मैं फोर्थ रूल के ऊपर आ रही हूँ. मेरा फोर्थ रूल कहता है कुड के अंदर क्या कर सकती है, क्षमता होती है, या हम बात कर सकते हैं योग्यता, एबिलिटी, जो कि पास्ट में है. मैं बार बार इस चीज को फोकस कर रही हूँ कि जो कि पास्ट के ऊपर काम हो रहे हैं, हमें वहां पर काम करना है. राइट, तभी हमारा कुड लगेगा, पास्ट को देखते ही हमें कुड लगाना है. राइट, अब मैं इसके दो एग्जांपल लूंगी, एक कैपेसिटी का लूंगी और एक योग्यता का लूंगी. पहले मैं आपका पास्ट एबिलिटी का एग्जाम्पल उठा रही हूँ. देखिए फ्रेंड्स, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था. तो ये एबिलिटी है तैरना, स्विमिंग इज एन एबिलिटी, और बात करी जा रही है पास्ट की, तो यहाँ पर हमें फिट करना है कुड, कि पहले के बारे में बात बताई जा रही है कि जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था. राइट, तो अब इसके अंदर हमने क्या बोला कि पास्ट की एबिलिटी आएगी, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कुड हियर. देखिए, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं हमारे पास्ट एबिलिटी की, जो टाइम जा चुका है. अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमने बोला जब मैं छोटा था तो मैं तैर सकता था. देखिए फ्रेंड्स, इसका एग्जाम्पल आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, तो जो बताया गया है स्विमिंग के बारे में, जब मैं छोटा था तो एबिलिटी मेरे पास पहले थी जब मैं छोटा था, जैसे जैसे टाइम निकला ये एबिलिटी मेरे हाथ से चली गई, दिस टाइम मैं तैर नहीं सकता. मीन्स पहले की योग्यता के बारे में बात करी जा चुकी है, बिकॉज द टाइम हैज पास्ड, वो टाइम जा चुका है और अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम की. राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सेकेंड एग्जाम्पल लूंगी, बचपन में मैं इस भारी बैग को उठा सकता था. मींस बात करी जा रही है पहले की, पास्ट की, मैं शुरू से यही बात बताती आ रही हूँ मैं आपको कि हमने पास्ट के बारे में बात करनी है. दूसरा, हम यहाँ पर क्या बात बोल रहे हैं, कैपेसिटी. अब हमने यहाँ पे कैपेसिटी के ऊपर फोकस करना है, कैपेसिटी हमारी आ रही है हैवी बैग. मींस हैवी बैग जो कि आप लोग देखते हैं, बच्चे बहुत हैवी बैग उठा के जाते हैं, उनका खुद का वेट इतना नहीं होता बट उनके बच्चों के बैग का वेट बहुत ज्यादा होता है. तो बचपन में मैं इस भारी बैग को उठा सकता था, ये मेरी कैपेसिटी थी, और अगर आज मैं इसको उठाना चाहूँ तो आज मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है. राइट फ्रेंड्स, तो मैंने आपको चार रूल्स बताए, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, प्लीज कीप इन योर माइंड. फर्स्ट, शोइंग पास्ट एबिलिटी. सेकेंड, पॉसिबिलिटी आएगी. थर्ड, हमारा प्रेजेंट टेंस के अंदर एक इंटरोगेटिव हो सकता है, जब हमें हम्बल रिक्वेस्ट और बहुत पोलाइट वे में किसी से कोई बात कहनी हो या कोई परमिशन लेनी हो, या फिर जो अभी मैंने आपको बताया कैपेसिटी इन पास्ट या फिर योग्यता.
राइट फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अब आपको ये कैन और कुड के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी हमारे माइंड में शंकाएं आती हैं, डाउट्स आते हैं, वो अब क्लियर हो चुके होंगे। हे फ्रेंड्स, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ माय लेसन। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई शैल सून बी बैक विद माय न्यू लेसन।